पंचायत 3 रिलीज के बाद अमेजॉन प्राइम यूजर्स का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं पंचायत के सचिव जी एके जितेंद्र कुमार ने अपने शो छोड़ने की अफवाहों पर एक बड़ा अपडेट दिया है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि पंचायत का दूसरा सीजन जब आया था तब खबर आई थी कि मेकर्स और जितेंद्र के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इस अफवाह को तब और हवा मिली जब दूसरे सीजन में अभिषेक त्रिपाठी यानी कि सचिव जी का विधायक ट्रांसफर करवा देता है। तब फैंस को यही लग रहा था कि पंचायत में जितेंद्र का किरदार बस यहीं तक था। लेकिन जितेंद्र कुमार ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि उन खबरों ने बहुत पैनिक क्रिएट कर दिया था और इसके साथ ही वो शो छोड़ने की चर्चाओं का सोशल मीडिया पर एक आगमन भी देख पा रहे थे। उन्होंने समझाया कि आखिरी सीजन में उनके किरदार अभिषेक के ट्रांसफर को दिखाया गया था जिसकी वजह से ये अफवाह ज़्यादा बढ़ गई। अगर स्पष्ट शब्दों में बताया जाए तो जीतू भैया ने कहा कि पिछला सीजन अभिषेक के ट्रांसफर पर ख़त्म हुआ था। इसके बाद ये अफवाह और तेज़ हो गई थी कि मेकर्स और जितेंद्र के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है। मैं खुद उन्हीं सवालों के जवाब देते देते परेशान हो जाता था क्योंकि हम पहले से ही तीसरे सीजन की शूटिंग कर रहे थे, इसलिए अफवाहों ने मुझे ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया। मेरा TVF के साथ काफ़ी पुराना बॉन्ड रहा है, इसलिए लोग परेशान हो गए थे कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। मुझे पता था कि ये जनता का मेरे लिए प्यार है और हमने सभी अफवाहों को ख़त्म करने के लिए पहले ट्रेलर का इंतज़ार किया। अब देखिए, अफवाहों पर जितेंद्र ने खुद चुप्पी तोड़ दी है। ऐसे में अब फैंस बिना किसी टेंशन के इत्मीनान से पंचायत का तीसरा सीज़न देख रहे हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा है, जानना चाहते हैं कि पंचायत के थर्ड सीज़न पर टाइम इन्वेस्ट करना सही है या नहीं, तो फिर इसका आप फिल्मी रिव्यू हमारे चैनल पर ज़रूर देख सकते हैं जो फ़िलहाल आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो देखिए, ये तो थी हमारी पूरी कहानी, लेकिन आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसी डिटेल्ड एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया TV, शोबिज़।